साड़ी, इसे स्टाइलिंग वीडियोस में तो नहीं देखा होगा तुमने। सोचते होगे कि क्या ही स्टाइल करें, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगले 3 मिनट में मैं तुम्हारा ये परसेप्शन बदल कर रख दूँगी, यकीन नहीं होता? तो ये इंट्रो देख लो, और अगर पसंद आए तो आगे देख लेना। तो चलो वीडियो देखते हैं साथ में। तो शुरुआत करते हैं ये चमकीली चकाचक चकाचौंध कर देने वाली रेड सीक्वेंस साड़ी से, जिसे मैंने पेयर किया है ब्लैक कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज के साथ। तुम्हें पता है करण जौहर की बर्थडे पार्टी का थीम भी ब्लैक एंड ब्लिंक था। अरे नहीं नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं था, वो तो मुझे सस्ते में मिल गई इसलिए मैंने ले लिया। अगर जानना चाहते हो कि कहाँ से लिया मैंने साड़ी तो देखते रहो ये वीडियो। इस तरह की सीक्वन साड़ी को ख़रीदते वक्त सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि सीक्वन वर्क ज़रा भी चुभने वाला ना हो, अदरवाइज़ इसे पहनने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। सीक्वन साड़ीज़ को तुम आराम से किसी भी बर्थडे पार्टी में, इवन अपनी बर्थडे पार्टी में, गेट टुगेदर में, कॉकटेल पार्टी में बहुत अच्छे से स्टाइल कर सकते हो। बहुत अप मार्केट और शीक लगती है इस तरह की साड़ी। तो अब मैं बताती हूँ कि कहाँ से परचेज़ की थी मैंने ये साड़ी। मैंने इसे लिया था दिल्ली वालों की धड़कन सरोजनी नगर से, लेकिन तुम इसे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन, मिंत्रा, किसी से भी परचेज़ कर सकते हो। आराम से इस तरह की सीक्वेंस साड़ियाँ डिफरेंट डिफरेंट शेड्स में, डिफरेंट कलर्स में इन वेबसाइट्स पर रीज़नेबल रेट्स पर मिल जाती हैं। मैंने इसे ख़रीदा था, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, इस वीडियो पे 100 कमेंट्स का एम करते हैं। अगर मुझे 100 कमेंट्स आए तो मैं इस साड़ी का प्राइस रिवील करूंगी, ठीक है? तब तक तुम देखो मेरी नेक्स्ट साड़ी। साड़ियों की बात हो और इस क्लासिक येलो ट्रेडिशनल साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर, उसका जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए अपनी नेक्स्ट लुक के लिए मैंने पिक करी है ये हल्दी कलर की साड़ी, जो कि किसी भी पूजा, हल्दी फंक्शन उसके लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। मैंने इसे पेयर किया है फुल स्लीव्स ब्लाउज़ के साथ, जिसमें थोड़े से रफल वर्क है, ताकि इसका लुक मोर ऑफ इंडियन लगे। और उसके साथ मैंने एक्सेसराइज़ की है ये इंडियन ज्वेलरी टू कंटिन्यू दी क्लासिक वाइब। इस तरह की साड़ियाँ ना तुम समर सीज़न में इजीली कैरी कर सकते हो, ज़्यादा पसीना वगैरह आता है ना तो दिक्कत भी नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा क्लासी और एलिगेंट लुक भी देती हैं। सो डू गिव इट अ ट्राई। अब तुम सोच रहे होगे कि यार ये दोनों साड़ियाँ तो थोड़ी सी हैवी लग रही हैं। चिंता मत करो, मेरे पास है तुम्हारे लिए थर्ड ऑप्शन। बहुत ही क्लासिक पेस्टल कलर की साड़ी है, एकदम मखमल जैसा कपड़ा है इसका, प्योर कॉटन फैब्रिक है जिसपे रेड, ऑरेंज, ग्रीन कलर के एम्ब्रॉयडर्ड फ्लावर्स बने हुए हैं, जो इसको बहुत अच्छा पॉप ऑफ कलर देते हैं। इसको तुम आराम से किसी भी पीटीएम में, किसी गेट टुगेदर में, लंच पे जा रहे हो तो कैरी कर सकते हो, बहुत ही स्टाइलिश लगती है। मैंने इसे पहना है स्लीवलेस रेड ब्लाउज़ के साथ, जो इसको बहुत ही अच्छा सा कॉन्ट्रास्ट दे रहा है। सो गाइस, मेरी तरफ से तो इस साड़ी को बिग थम्स अप है। चलो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी, और अगर इन साड़ियों पर तुम्हें रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम पे भी मैं मिल जाऊंगी। अरे तुम्हें याद है ना, मैंने बोला था अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आए तभी उस रेड वाली साड़ी की प्राइस पता चलेगी। तो चलो चलो फटाफट से कॉमेंट्स करो, और मैं तुम्हें मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।